अध्याय दो, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। किसी कक्षा में सभी प्रकार की संख्याएं सोचने के लिए कहे जाने पर छात्रों ने ये संख्याएं बताईं: 8, 0.15, 3/7, 1, -3, -108, 0.37, 10/9, 105, 12, 0, 17/19, 7.5, 205, 22/7, 55, 3.2323। क्या इनमें सभी प्रकार की संख्याएं आ गई हैं? क्या आप कुछ और संख्याओं के उदाहरण दे सकते हैं? इन संख्याओं को गुणों के आधार पर बांटना हो तो कैसे बांटें? कौन से गुण लें? क्या इन्हें सम विषम संख्याओं में बांट सकते हैं? क्या इन्हें बांटने का कोई और तरीका हो सकता है? कितने अलग अलग तरीकों से इन्हें बांट सकते हैं? प्राकृत से परिमेय तक, नेचुरल टू रेशनल। मनीषा और सलमा ने इन्हें एन यानि प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, W यानि पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, Z यानि पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स और Q यानि परिमेय संख्या या रेशनल नंबर में इस तरीके से बांटा। N बॉक्स 8, 105, 12, 205, 1। W बॉक्स 0, 8, 105, 12, 205, 1। जेड बॉक्स 0, 8, 105, 12, 205, 1, -108, 55, 3। क्यू बॉक्स 0, 8, 105, 12, 205, 1, 3, 108, 55, 22/7, 3/7, 0.37, 3.2323, 7.5, 10/9, 17/19, 0.15। क्या कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो सभी डिब्बों में हैं? करके देखें। पहला, वे संख्याएं लिखिए जो क्यू में हैं परंतु एन में नहीं। दूसरा, वे संख्याएं लिखिए जो जेड में हैं परंतु एन में नहीं। तीसरा, वे संख्याएं लिखिए जो डब्लू में हैं परंतु एन में नहीं। क्यू बॉक्स में सभी संख्याएं आ जाएंगी। इन सबको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं है शून्य, यानि P कोई भी पूर्णांक संख्या और Q शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। रश्मि बोली कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में आती हैं क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? रेशमा ने कुछ उदाहरण ऐसे दिए: 8/8/1, 3/3/1, 0/0/1। क्या आप कोई ऐसी पूर्णांक संख्या ढूंढ सकते हैं जो इस तरह परिमेय संख्या के रूप में ना लिखी जा सके? अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समूह पूर्णांकों में और पूर्णांक संख्याओं का समूह परिमेय संख्या में सम्मिलित है। प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं एक नियम का पालन करती हैं। प्रत्येक संख्या पिछली अथवा अपने बाईं ओर की संख्या से एक अधिक और बाद की अथवा दाएं वाली संख्या से एक कम है। अर्थात दो क्रमवार संख्याएं आपस में एक इकाई की समान दूरी पर हैं। संख्या रेखा पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक रेखा खींचकर उस पर समान दूरी पर कई चिन्ह लगाइए।
किसी एक बिंदु को शून्य मान लें। समान दूरी पर दाईं ओर 1, 2, 3 इत्यादि संख्याएं लिखें। पूर्णांक संख्याओं के लिए संख्या रेखा। पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए चित्र 1 की संख्या रेखा पर बाईं ओर -1, -2, -3 इत्यादि लिखें, जैसा चित्र 2 में दिया है। हम देख सकते हैं कि दाईं ओर 1 आगे बढ़ने पर संख्या 1 अधिक हो जाती है और बाईं ओर बढ़ने पर 1 कम हो जाती है। करके देखें। पहला, संख्या रेखा पर दिखाएं -2, -3, -4। दूसरा, -3 से -2 कितने आगे है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। क्या आप परिमेय संख्या P/Q को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्या आप 1/3, 5/3, 8/3 आदि को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। रश्मि ने इनको संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाया। चित्र 3 देखें। 0, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3। इसी प्रकार शून्य की बाईं ओर -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -8/3, -9/3। इसमें उसने प्रत्येक इकाई को 3 बराबर भागों में बांटा है और फिर संख्याओं को दर्शाया है। इसी तरह आप भी 7/3, 11/3, -2/3 अंकित करें। सोचें एवं चर्चा करें। -3/5, 2/5, 8/5, 12/5 इत्यादि को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करना होगा।